जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज आपको बताते हैं नींबू से वशीकरण। जी हाँ, नींबू से कर सकते हैं आप एक प्रचंड वशीकरण, जो कि किसी भी महिला को, किसी भी स्त्री को आप अपने वश में कर सकते हैं सिर्फ इस वशीकरण के द्वारा। आपको बस करना क्या है, एक नींबू लेना है और आपको लेना होगा एक मार्कर। जी हाँ, काले रंग का मार्कर आप ले लीजिए और आपको चाहिए होंगे 4 लौंग चाहिए होंगी आपको। लौंग पे ध्यान रखिएगा कि इस तरह की लौंग लेनी है आपको जिसपे ऊपर फूल लगा हुआ हो। और उसके बाद इन्हें आप एक साथ रख दीजिए। आपको इसके साथ एक मंत्र भी बोलना होगा, मैं आपको बताती हूँ वो मंत्र क्या है। उस मंत्र की सहायता से आप इसे कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये इस तरह से आप एक मंत्र है, ओम नमो भगवते नमः। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना होगा और लौंग और नींबू का इस्तेमाल करके आपको इसका, ये जो मंत्र है, ये जो वशीकरण का उपाय है, आप इसे कर सकते हैं। और इसके जरिए आप अपनी, जो अगर आप किसी को वश में करना चाहते हैं, आपके जीवन की जो समस्या है उसे आप खत्म कर सकते हैं। अगर किसी महिला को आप अपने वश में करना चाहते हैं तो उसके लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। आज मैं आपको बताती हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले एक नींबू लेना है और उसमें लौंग को इस तरह से घुसा देना है। जी हाँ, लौंग को इसमें डालने के लिए आपको क्या करना होगा कि पहले से नींबू के अंदर आपको छेद करना होगा, किसी चाकू से या फिर किसी सुई से आप इसे छेद कर लीजिए और उसके बाद इस तरह से आपको लौंग को नींबू के अंदर डालना होगा। जी हाँ, आप कहीं पर भी, जहां पर भी देखें कि छेद है, आप उसी जगह पर लौंग को ऐसे डाल सकते हैं। तो 3 लौंग आपको इसके अंदर डाल देनी है। इस तरह से इसमें लौंग डाल दीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये लौंग इस तरह से रखनी है अपने सामने नींबू में लगाकर, और 1 लौंग आपको और चाहिए होगी, 4th लौंग। जी हाँ, वो भी आपको इस तरह से फूल वाला ही लौंग लेना है। और अब मैं आपको बताती हूँ आपको इस उपाय को कैसे करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जो मंत्र है ये सामने रखना है, आपको मंत्र का उच्चारण करना है 108 बार, और उसके बाद ये जो लौंग है इस पर आपको फूंकना है, और उसके बाद नींबू को आपको लेफ्ट हैंड में लेना है जिसमें आपने पहले से 3 लौंग लगाई हुई है, आपको इस लौंग पर फूंकना है और उसके बाद इस पर टच करवाना है, फिर फूंकना है, इस पर टच कराना है, फूंकना है, इस पर टच कराना है। इस तरह से आप ये तीनों लौंग को और नींबू को इस मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित कर देंगे। अब ये नींबू आपका अभिमंत्रित हो चुका है। जिस भी महिला को या लड़की को या स्त्री को आप अपने मन की बात पूरी करना चाहते हैं, आप अपने लिए तैयार करना चाहते हैं, आपकी बात मान जाए उसके लिए, तो आपको करना क्या है कि आपको उसके बाद ये जो कागज है जिसमें मैंने ये मंत्र लिखा है उसके ऊपर आपको नींबू को इस तरह से रख देना है और अब आपको मंत्र का उच्चारण करना है। जी हाँ, और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं कि किस तरह से ये काम करता है, ये प्रचंड वशीकरण, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे बाबा जी हैं, जी हाँ, जो हमारे वशीकरण गुरु जी हैं, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को ये उपाय बताते हैं जिन्हें सच में इसकी जरूरत है। तो पूरा उपाय जानने के लिए आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर भी हमसे बात कर सकते हैं। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपने हमारा वीडियो देखा, उसके लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये जो नींबू का उपाय है, मैं आपको बता दूं, ये एक प्रचंड वशीकरण का उपाय है। तो अगर आपके मन में किसी भी तरह की गलत भावना है तो इसे बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसका असर उल्टा भी हो सकता है, और सही तरीके से ही आप इसका उपयोग करें। तो धन्यवाद भक्तों, हमें कॉल कीजिए जानने के लिए कि इसके आगे की विधि क्या है।